Thank you. जुड़ा तो इतना ही टाइम से हूँ कि कल मेरी जो शोइंग हुई थी और अच्छा लगता है जागरण से जुड़ने के लिए, क्योंकि मेरा पहला अवार्ड मेरी कॉम के लिए जागरणी अवार्ड था लास्ट टू लास्ट ईयर, जब हमने बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर म्यूज़िक जीता था. तो वो एक पद्धत जो स्टार्ट हो गई थी वो यहीं से स्टार्ट हुई थी. तो दैट्स वाई इस ईयर कौन जीत रहा था, तो मुझे बहुत ही यू नो इंक्विजिटिव था मैं. एंड ऑब्वियसली बिकॉज वर्ल्ड मूवीज़ दिखाए जाते हैं, इंडिया की हर लैंग्वेज की मूवीज़ दिखाए जाते हैं, तो समवेयर डायरेक्टर्स ऑल्सो लाइक टू बी यू नो एसोसिएटेड विद देम, बिकॉज एट वन प्लेटफॉर्म यू कैन सी सो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज़. तो डायरेक्टर्स खुश होते हैं. मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं, तो हाँ आगे हमने अनाउंस भी की थी दे धक्का, जो उसका रीमेक जो करने वाले थे, एंड बाकी के आगे भी हैं, तो मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूं आगे. जो एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, ऐसा लगता है सरबजीत को वापस रिलीज़ करूं, बिकॉज़ राइट नाउ हमें उसकी ज़रूरत है, और सरबजीत अब के माहौल में बराबर फिट हो रही है. यू नो जैसे ही तनाव है, ऑब्वियसली क्या किसने क्या रिप्लाई दिया वो अलग बात है, पर इस टाइम ये पिक्चर वापस रिलीज़ होनी चाहिए ताकि पीपल यू नो फिर से जुड़ सके. और मैंने देखा नहीं है अभी, मुझे ऑब्वियसली कल या परसों मैं ज़रूर जाऊंगा, हर पिक्चर देखता हूं, तो एम एस धोनी तो ऑब्वियसली देखना ही है, इतना सुना हुआ है उसके बारे में. थैंक यू. थैंक यू. जागरण फिल्म फेस्टिवल से मैं कुछ अरसे से जुड़ा हूँ, इन सेंस कि मेरी कुछ फिल्में दिखाई गई. इनफैक्ट दो साल पहले मुझे जागरण फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला. बम्बई में अगर इसको कुछ माना जाए, ऑल्दो ये बम्बई के बाहर का पेपर है, तो एक ही अवार्ड जो मुझे मिला है वो जागरण फिल्म फेस्टिवल से मिला है. एक्चुअली दो मिले हैं एक ही साल में मेरी दो फिल्मों के लिए. और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए मैं इलाहाबाद, भोपाल मास्टर क्लासेस के लिए भी गया हूँ, जिसमें इन सब शहरों में जो कुछ फिल्म स्टूडेंट्स हैं वो आकर आपसे बात करते हैं. जमशेदपुर भी गया और मेरी कुछ फिल्में दिखाई गई थी उस साल. तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस तरह की एक पहल की है जागरण, दैनिक जागरण वालों ने, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत सारे शहरों में ये सिनेमा को लेके जाते हैं जो लोग मिस कर गए हैं, या बहुत सारे लोग इस तरह का सिनेमा देखना चाहते हैं. फिर बहुत सारे गेस्ट इनवाइट किए जाते हैं जिनसे चर्चा होती है. तो ये सिनेमा के लिए बहुत बहुत अच्छा कदम है, और इसीलिए मैं लगातार इसका हिस्सा रहा हूँ. इस साल जो मेरी एक फिल्म दिखाई गई मैं वो अटेंड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उस वक्त शूटिंग कर रहा था, और दिल्ली में या कहीं पैनल डिस्कशंस होती हैं. तो जो भी लोग सिनेमा में रुचि रखते हैं, अच्छे सिनेमा को देखना चाहते हैं, या सिनेमा में बहुत सारी फिल्में मिस हो जाती हैं, तो वो ये काम कर रहे हैं उन तक पहुँचाने का. तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं इसका किसी ना किसी तरह से हिस्सा रहा हूँ, और
ये जो अवार्ड्स होते हैं ये एक तरह से इन्होंने कुछ थोड़े वक्त पहले शुरू किया, कुछ साल पहले शुरू से इस तरह नहीं था ये, तो ये तो एक पीठ पर थपथपी है, एप्रिसिएशन ऑफ पीपल्स वर्क टू इनकरेज देम. तो आई कॉन्ग्रेचुलेट दैनिक जागरण एंड आई एम ऑल फॉर जागरण फिल्म फेस्टिवल. थैंक यू. नहीं, वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, उस फिल्म का नाम है चिल्ड्रन ऑफ वॉर. वो बांग्लादेश 71 में बना था और 71 में किस तरह बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया, वो पाकिस्तान ही था, ईस्ट पाकिस्तान था, और पाकिस्तान की अपनी ही फौज अपने ही देश में हज़ारों लाखों औरतें रेप की गई थी और हज़ारों लाखों आदमी मार दिए थे अपनी फौज ने. उस वक्त की कहानी है और मैंने उस फिल्म में काम किया है. वो पाकिस्तानी फिल्म नहीं है, वो मृत्युंजय दिल्ली में रहते हैं, एक उनकी पहली फिल्म है, उन्होंने लिखी और डायरेक्ट की है, और वो हिंदुस्तान के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर की फिल्म है. पर कहानी उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है उसकी. नहीं, तनाव देखिए, जब भी वॉर होती है उसमें जीत किसी की नहीं होती. ये ज़रूर है कि अगर आप आज भी डिस्कशन देखेंगे तो दोनों तरफ से ये कहा जाएगा कि 65 भूल गए, 71 भूल गए, हमने ये कर दिया था और हमने वो कर दिया था. सच बात यह है कि हो सकता है कि किसी ने दो घूंसे मारे हों, पर एक घूंसा तो जिसने दो मारे उसको भी पड़ा ही है. तो वॉर कभी भी किसी को जिताती नहीं है, हमेशा नुकसान ही होता है. और स्पेशली हमारे जैसे मुल्क जहाँ पर इतनी सारी और बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और दोनों मुल्कों में आज भी हमारे सब बच्चे दोनों मुल्कों में स्कूल नहीं जाते हैं, सबको खाना नहीं मिलता है, सबको दवाई नहीं मिलती है, सबके पास घर नहीं है, और जिस तरह का पैसा हम अपनी आर्मी पे और अपने इस सब में खर्च कर रहे हैं, और करना पड़ेगा, दबाव है, क्योंकि पूरे के पूरे जो सिचुएशन है, जिस तरह के हालात हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार को उस पर नहीं करना चाहिए, पर सही मायने में अगर सरकारें अपने लोगों के बारे में सोचें तो शायद ये नौबत नहीं आती. ये हमारे देश की मजबूरी है कि हमें ये करना पड़ रहा है, तो पर ये अच्छा नहीं है. वो देखिए, धुन तो पिस्ता ही है. वो तो धुन पिस्ता है, और उसमें सबके अलग अलग विचार हैं, इसीलिए इतनी उस बात पे डिस्कशन भी हो रही है, और डिस्कशन डेमोक्रेसी में बहुत अच्छी चीज़ है. उसमें अगर आप बात करें तो एक हिस्सा एक विचार रखता है, एक विचार रखता है, और दोनों जब अपना तर्क रखते हैं तो दोनों कहीं ना कहीं सही होते हैं. लेकिन ये अफसोस की बात है कि एक आम आदमी जिनका डायरेक्टली सब चीज़ों में कोई लेना देना नहीं होता है, इसमें बहुत सारी पॉलिटिक्स और बहुत सारी और चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, पर ऐसा होता है. हम आशा करते हैं कि थोड़े दिन में ये डिफ्यूज़ हो जाएगा और शायद पहले से बेहतर रिश्ते हो, ऐसी उम्मीद रख सकते हैं बस. थैंक यू सो मच, एंड दैनिक जागरण और जागरण फिल्म फेस्टिवल के लिए बहुत बहुत बधाई. थैंक यू. सुधीर, दोबारा पूछिए लास्ट पार्ट. जी, एक्चुअली मेरे लिए इट्स अ फर्स्ट टाइम आई एम अटेंडिंग अ फेस्टिवल, और मेरी फिल्म दो लफ्ज़ों की कहानी की स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे अभी, तो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और मैं समझता हूँ कि ये फेस्टिवल जो है वो
सारे देश में घूम रही हैं, विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग दैट यू ऑल आर डूइंग, एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ अस टू स्क्रीन आवर फिल्म्स. सो आई थिंक इट्स रियली नाइस. किसके बीच में तनाव है, किसके बीच में है तनाव? एक्चुअली ये तो मुल्कों का जो तनाव है वो तो आपको पॉलिटिशियन को पूछना पड़ेगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, नहीं इसके बारे में मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा. आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म फेस्टिवल है और पिछले कई सालों से कॉन्टीन्यूसली ये लोग जागरण वाले जागरण ग्रुप ये फेस्टिवल कर रहे हैं. आई थिंक इट्स फैंटास्टिक, नए फिल्म मेकर्स को मौका मिलता है और इस बार हमने देखा सुधीर जी की भी डॉक्यूमेंट्री और सईद साहब की भी डॉक्यूमेंट्री, सो इट्स क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल. हाँ बिल्कुल, थैंक यू. सिर्फ जागरण वाले सवाल हैं आजकल, बड़े बड़ा ज्वलंत विषय हैं बताए मुझे. हाँ मैं तो मेंटर हूँ पिछले 7 साल से और मुझे तो बहुत ही अच्छी चीज़ लगती है जो जागरण करता है, क्योंकि अलग अलग शहरों में, मुंबई में तो फिर भी ठीक है मुंबई में, लेकिन छोटे शहरों में अच्छा सिनेमा ले जाना, वहाँ एक तरह का अच्छे सिनेमा के प्रति एक वातावरण तैयार करना बहुत अच्छी बात है. और मतलब मैं लखनऊ कई बार गया हूँ, रांची में करते हैं, बनारस में करते हैं, जयपुर में करते हैं, चंडीगढ़ में करते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा है ये फेस्टिवल का जो आइडिया है, जो हर शहर में ट्रैवलिंग जो फेस्टिवल है वो आइडिया बहुत अच्छा है. देखिए फिर आप उस आपने जो, मैं बोल चुका हूँ और मैं अभी फिर बोलता हूँ. देखिए सीधी बात है कि जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, जहाँ तक क्लियरली जो सर्जिकल स्ट्राइक हमने की है उसमें तो आप अपनी सरकार के साथ नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे, और अगर टेररिज्म भारत को अफेक्ट करता है तो उसके लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन लेना ज़रूरी है. अगर नहीं लेंगे आप तो फिर आप बैठे हैं और कह रहे हैं कि आइए आप बार बार हमें हम पे घात कीजिए और हम उसको सहते रहेंगे, तो कब तक सहते रहेंगे? ये तो आप हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जनता है, उस पे असर होता है जब टेररिस्ट अटैक्स होते हैं और एक माहौल बहुत ख़राब होता है. तो ये तो बहुत, हम तो हमेशा, मैं तो हमेशा ही इस तरह से, हम क्या सारी इंडस्ट्री साथ है आज. अब दूसरी जो बात आती है कि कौन, तो मुझे लगता है कि अलग अलग जो कलाकार हैं उनको अलग अलग जज करना चाहिए. जैसे कि मेरे माहौल में कोई अलग हो सकता है और मैं अलग हो सकता हूँ ना, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बात जो है थोड़ी नुआंस्ड है, उस पर ऐसा एक लाइन में बोलना कुछ लगता नहीं है. लेकिन जहाँ तक हिंदुस्तानी सरकार अपने मुल्क के साथ
اپنے ملک کے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات ہے، وہ تو آپ ہمیشہ، میں تو کبھی بھی تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کوئی دوسرا آپ کا وچار ہو، آپ ہمیشہ ساتھ ہیں، چاہے کارگل ہو، چاہے آج ہو، چاہے کل کچھ اور کرنا پڑے، کہیں اور زیادہ بات بدل جائے، تو دا انڈسٹری اسٹینڈز وتھ انڈیا اینڈ دا انڈین سولجر آلویز آلویز. Yes, I am. Yeah. I think it was an amazing opportunity because I got to watch, you know, films on an international level as well as a lot of films that were, you know, directed here in India as well. So it was just a great opportunity, and especially to learn about different cultures. It was just, I really enjoyed it. I'm reading scripts at the moment in both here for Bollywood and in London and in Hollywood, so there's great things coming, so I'm quite excited. You won't be able to escape me, basically. Thank you. Hi. Hi. تھاٹ مطلب میرا ایسوسیشن جاگرن کے ساتھ بہت پرانا ہے، ہم لوگ کافی سالوں سے جا رہے ہیں ان کی فیسٹیولس کے لیے، اینڈ یہ صحیح معنوں میں ایک وہ فیسٹیول ہے جس کا کوئی کیا کہتے ہیں ایک پرپس بھی ہے، صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا پیسہ خرچہ کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں میں فلمیں لے جاتے ہیں، اور پچھلے 7-8 سالوں میں ایک طرح کا سنیمیٹک ایجوکیشن پروسیس بھی چل رہا ہے، سو I'm very happy کہ میں ایسوسیٹیڈ ہوں ان کے ساتھ. دیکھیے، لیٹس ٹاک اباؤٹ جاگرن فرسٹ. نہیں، لیٹس، دس از اے پلیٹ فارم، سم تھنگ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ نا. اس کا ختم ہو جائے گا پھر آپ پوچھیں، میں ضرور بتا دوں. Something? No, it's fine. This is fine. پھر جاگرن فیسٹیول جو ہے ایک بہت اچھا فیسٹیول ہے. اس فیسٹیول کے علاوہ ڈفرنس بٹوین دیز ٹو فیسٹیولز از دیٹ یہ جو فیسٹیول ہے یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی جاتا ہے جہاں کے لوگ جو ہیں بہت ہی انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں جب یہ پہنچتا ان کو. تو یہ دس از اے گریٹ تھنگ بیکاز دے آر ایکسپوز ٹو دا ورلڈ سنیما دیٹ وے. آئی تھنک دیٹس اونلی ڈفرنس اینڈ دین دے ٹیک دا ورلڈ سنیما ٹو دا اسمال سینٹرز ایز ویل. باقی کیا آئی فیل ویری ہیپی، آئی فیل ویری گلیڈ
that I will feel very honored that they have selected me to give me Lifetime Achievement Award, for which I am grateful to the Jagran authorities and Jagran Film Festival and the jury members also. Thank you so much. Thank you. Pleasure. How do I go? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. लास्ट तीन दिन आई हैव यू नो बीन अ पार्ट ऑफ द जागरण फिल्म फेस्टिवल. मेरी फिल्म मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस वॉज चोजन एज द ओपनिंग स्क्रीनिंग एट द जागरण शॉर्ट्स सेक्शन ऑफ द जागरण फिल्म फेस्टिवल. और बहुत अच्छा लगा बिकॉज अ लॉट ऑफ द लवली इंडस्ट्री पीपल, माई क्रू, माई फैमिली, अ फ्यू फ्रेंड्स कुड कम एंड एक्चुअली वॉच इट. और फिर येस्टरडे देयर वॉज दिस टॉक ऑन शॉर्ट्स कैन मेक यू बिग. Short films can, you know, take you to the next step. So it was an interesting talk along with Vinod ji, Manoj ji, and we had Elena as well. So I think we had a very interesting concoction of people, you know, from different thought processes all together. For me, being an actor, what I have learned being an actor on set and then going from feature films and then not making a feature, making a short film, I had my own thoughts on the process. Meri bahut sari queries thi short films ke bare mein, jaise ki you know short ka budget kya hona chahiye, ya short film banakar use monetize kaise kar sakte hain, ya jo short films hai you know what are the benefits of making a short and not a feature. So वो सारी चीज़ें कल डिस्कस हुई. तो आई थिंक ऑल इन ऑल इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग. जी हाँ, मुंबई वाराणसी एक्सप्रेस जो कि एक 30 मिनट शॉर्ट फिल्म है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा है. लेकिन माई फिंगर्स आर स्टिल क्रॉस्ड एंड आई एम होपिंग दैट टुडे एट द जागरण फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स यू नो एक पॉजिटिव रिजल्ट आए. And I hope that it all you know works out for the best. क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने ही नहीं, मेरे पूरे क्रू ने, चाहे वो एक असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो यू नो कलर करेक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, स्पॉट बॉय, प्रोडक्शन हेड, हर डिपार्टमेंट ने अपना बेस्ट दिया है. और मैं चाहती हूँ कि ये मेहनत यू नो फल लाए. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. सॉरी, जी इसके बारे में मैंने कल भी कहा कि आर्टिस्ट हैं और उन्होंने कुछ नहीं किया है. जो टेररिस्ट हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए. और जो सर्जिकल स्ट्राइक किया हमारे गवर्नमेंट ने, आई थिंक इट वाज टुवर्ड्स द टेररिस्ट अगेंस्ट द स्टेप दैट दे टुक ऑफ किलिंग आवर जवान्स at the Uri border. That too when they were asleep, which was extremely unfair. So I don't think that the poor artists from Pakistan should face the flak, but yeah, I think that I am totally against terrorism and what has happened, but I'm not against every single Pakistani for sure, because every Pakistani is not a terrorist. And yeah. Thank you.
बहुत अच्छा लग रहा है. I'm very happy to be invited over here because I heard this is the 7th year. इस साल 7वां साल है और इस बार I think if I'm not mistaken everybody can apply this year, anybody and everybody, which is a great initiative. I think gives various people, various talented people, to showcase their talent. So good luck to them, and I'm here to just support the festival, support the talent. जी जी सलमान क्या कह रहे हैं कि आर्टिस्ट है टेररिस्ट नहीं है. सही बात है. जो आर्टिस्ट है तो वो आर्टिस्ट ही है, कलाकार ही है, वो कुछ बुरा तो नहीं कर रहे. थैंक यू वेरी मच. वेल, मैं यही कहूँगी कि मैं जागरण ग्रुप और उनके ये सारे इनिशिएटिव्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जागरण जिस तरीके से अच्छा सिनेमा भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा रहा है, और जिस तरीके से जागरण फिल्म फेस्टिवल जिसकी खास बात ये है कि ये सिर्फ बॉम्बे या दिल्ली में नहीं होता बल्कि बाकी शहरों में भी होता है, तो जिस तरीके से ये फिल्म फेस्टिवल अच्छा सिनेमा अलग अलग जगहों तक पहुंचा रहा है जहां तक शायद ये फिल्में नहीं पहुँचती नॉर्मल रिलीज़ के थ्रू, आई थिंक ये सही में बहुत ही प्रशंसनीय है और कमेंडेबल है. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल ऑलवेज, और इस साल मेरी फिल्म भी थी इसमें, सो वो एक्स्ट्रा स्पेशल है मेरे लिए. जी बिल्कुल, नील भट्टे सन्नाटा एक अच्छी फिल्म है और अच्छी फिल्म को सराहा जाना चाहिए. आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड कि मैं नील भट्टे सन्नाटा का हिस्सा हूँ, एंड जिस किस्म का प्यार नील भट्टे सन्नाटा को ऑडियंस, बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक से मिला है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है. हाँ, आई होप आने वाले दिनों में मेरे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हों. मेरी अगली रिलीज़ अनारकली आरा वाली है, जो एक और बहुत ही महिला प्रधान और बेहतरीन फिल्म है. इसके बाद दो और फिल्में हैं जिनके टाइटल अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, एंड देन ऑफ कोर्स वीरे दी वेडिंग. सो लॉट्स ऑफ वर्क. वेल, मैं आई थिंक कि ये सही बात है कि जो कलाकार होते हैं उनको उनका काम कला है और उसको राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए. पाकिस्तान के जितने भी कलाकार हैं, यू नो, उनकी अपनी मजबूरियां हैं. हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान में 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के बहुत ही बेहतरीन और महान कवाली गायक की मौत हुई है टेररिस्ट के हाथों. तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लोग भी टेररिज्म का शिकार हैं और हमें भी ये समझना चाहिए. इसके अलावा ऑफ कोर्स यू नो, ये पूरा मुद्दा एक बहुत इमोशनल मुद्दा है. ये इससे लोग, इसमें हमारे जो सैनिक मारे गए उरी में, वो बहुत ही शर्मनाक था, वो दुखद था, और हमारा पूरा देश उससे बहुत दुखी और गुस्सा है, जैसे होना भी चाहिए. आई थिंक कि हमारी सरकार एक ज़िम्मेदार सरकार है, हमारी आर्मी एक बहुत ही ज़िम्मेदार आर्मी है, और वो अपना काम करेगी, और हमें अपनी आर्मी को अपना काम करने देना चाहिए.
बस बढ़िया है। सही पुरानी बात है, बहुत अच्छा ही। कौन सा साल है? सेवेंथ। अच्छा ही फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं जागरण फिल्म फेस्टिवल के साथ उनके पहले एडिशन से जुड़ा रहा हूँ और इस बार भी कुछ मेरी शॉर्ट फिल्म थी और आज फिनाले है, मतलब आज लेकिन शायद फिनाले दो दिन और है ना फेस्टिवल के, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या बोलूँ, बहुत खुशी की बात है कि इन फिल्में छोटे शहरों में जा रही हैं, वहाँ के लोग थोड़ा सिनेमा लिटरेट हो रहे हैं, ऑडियंस बढ़ रही है। ये उस तरह की एक्सपेरिमेंटल और छोटी फिल्मों के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इनकरेजिंग। अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ एक फिल्म है, उसका नाम है राग देश और ये सुभाष चंद्र बोस के ऊपर और उनकी जो उन्होंने फौज बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी, आज़ाद हिंद फौज, उसके ऊपर ये फिल्म है। उसके मैं 20 दिन शूटिंग कर चुका हूँ, अगले महीने फिर देहरादून में उसकी बाकी की शूटिंग है जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन सब के सीक्वेंसेस शूट कर रहा हूँ। क्या अब उन्होंने ये बात तो ठीक ही कही है कि देर आर्टिस्ट देर नॉट टेररिस्ट, उसमें कोई झूठ तो बात कह नहीं रहे, बात तो ठीक है। अब ये है कि ये क्योंकि माहौल ऐसा है, इस तरह के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, आई होप माहौल जल्दी से ठीक हो जाए ताकि ये आप भी इस तरह के सवाल ना करें और मुझे भी इस तरह के सवाल देने का, इन सवाल का जवाब देने का मैं ऐसा मौका ना आए। वक्त ख़राब है, सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और एक ज़िम्मेदार नागरिक और ज़िम्मेदार आर्टिस्ट, क्योंकि आर्टिस्ट जो है सिर्फ उसका काम भड़ैती करना नहीं है, नाच गाना करना नहीं है, उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, तो एक ज़िम्मेदार आर्टिस्ट की तरह इस माहौल को समझते हुए जो देश के हित में है वही करना चाहिए। I do read the both newspaper, Jagran Midday, and I really found मुझे अच्छा लगता है and इसमें सबसे ज़्यादा मेरे लिए जो अच्छी बात है कि इसमें फिल्म सेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ हिस्टोरिकल स्टोरीज रहती हैं and it has got sports का कंटेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है and it's really complete packaging and I really very much fond of the both magazine Midday newspaper and Jagran also. किस तरह की फिल्में इन दिनों आप देखते हैं, किस तरह की फिल्में पसंद आती हैं आपको? I belong to entertainment world, फिल्मों से मेरा संबंध है and मनोरंजन जो है मेरा first priority है, entertainment is our first priority. I love to see the cinema which has got content and at the same time entertainment. Cinema ही एक ऐसी personality है जो सच को कड़वा कह के नहीं, सच को मनोरंजन के तरीके से पेश करती है. Truth cannot be always bitter. Truth can be interesting also and that can be shown only by the cinema. I love the cinema which has got basic content but with the entertainment. Thank you very much.
एक मिनट, मेरी नीस मेरी भतीजी है साथ में, वो भी आएगी। मेरी मेरी भतीजी है, मेरी नीस है, हाय, और इसका भी बहुत अच्छा गाती है, बहुत टैलेंटेड है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती है। इसका भी एक सिंगल रिलीज़ हुआ है मेहरबानी के नाम से, जिसमें इसने गाया भी है और एक्टिंग भी की है। तो मैं चाहती हूँ म्यूज़िक विद टाइम्स म्यूज़िक, मैं चाहती हूँ लोग देखें सुने और आशीर्वाद दें अपना इसको। देखिए मैं एक्चुअली मैंने ये सात साल सेवेंथ है बट मैं पहली बार आई हूँ, सेवेंथ है ये बट मैं पहली बार आई हूँ, मैं इसके पहले आई नहीं हूँ, तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। मैं आज देखूँगी तो मुझे पता चलेगा। तो आज जागरण और मिड डे दोनों मिलकर ये फंक्शन कर रहे हैं, अवार्ड फंक्शन, फिल्म अवार्ड्स, क्योंकि मैं पहले बार आई हूँ तो मुझे पता नहीं है कि किस तरह का फंक्शन होता है। आज मैं देखूँगी और होपफुली हर साल आऊँगी इसके बाद। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हाय, नाइस टू मीट एवरीबडी। हाँ, तो मेरा अभी एक सिंगल आया है जिसका नाम है मेहरबानी विद टाइम्स म्यूजिक, प्लीज़ चेक इट आउट। और मैंने वीडियो में भी एक्ट किया है, तो आई लव टू इंट्रोड्यूस द सॉन्ग टू एवरीबडी एंड आई जस्ट सिंग वन लाइन फ्रॉम द सॉन्ग। जी, दिल तुझे पुकारे, नजरे तुझे सवारे, आँखों में है दुआ ये साथ तेरा कभी छूटे नहीं, मेहरबानी जरा मुझ पे करो, थामा है जो हाथ तेरा कभी छूटे नहीं, मेहरबानी जरा मुझ पे करो। एक्चुअली फिलहाल मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, आई एम ट्रेनिंग इन मेथड एक्टिंग, तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है अभी, बट डेफिनेटली इन द फ्यूचर आई वुड लव टू एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। हम चाहते हैं कि फिल्में करें और म्यूजिक असाइनमेंट्स भी करें और हमारी ब्लेसिंग्स हैं इसके साथ, और हम चाहते हैं कि आगे बढ़े और नाम करे। सो वी आर हियर टू सपोर्ट हर, आई एम ऑलवेज देयर बिहाइंड हर टू सपोर्ट हर। नहीं और कुछ बातें नहीं, या तो इसके बारे में या फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के बारे में, अवार्ड के बारे में। ओके ओके, थैंक यू सो मच। एक बात कहना चाहूँगा फिल्म फेस्टिवल्स के बारे में इन जनरल, कि वो बढ़ावा देते हैं शॉर्ट फिल्म्स को, नए फिल्म मेकरों को, और हमें टैलेंट देखने को मिलता है। तो मेरे जैसे यंग टैलेंट के लिए तो ऐसी फेस्टिवल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज हमें मौके मिलते हैं ऐसे फिल्म में काम करने को, और अच्छे डायरेक्टरों को भी मौका मिलता है आगे आने के लिए, बढ़ने के लिए, और फिर फिल्म इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। काफ़ी प्रोजेक्ट पे काम शुरू है बॉलीवुड में भी, काफ़ी म्यूज़िक डायरेक्टरों के साथ कुछ कुछ शुरू है, चालू है, और खुद का भी मेरा एल्बम अभी रिलीज़ होगा वेरी सून। विशाल ददलानी जो है उनका खुद का लेबल है VLT करके, तो उसके अंडर हमने दो सिंगल्स बनाए हुए हैं और बहुत ही जल्द वो सुनने को मिलेंगे सबको। आपका भी साथ में
अभी भी है, ऑलरेडी टफ कंपटीशन है और होने भी वाला है और आई थिंक ऑलवेज रहना चाहिए, पर जो इम्पॉर्टेंट है और जो हर सिंगर को इससे ले जाना चाहिए इज दैट खुद की एक यूनिक स्टाइल बनाए और खुद की एक जगह बनाए जो वो कंपटीशन के बाहर ही रहे और अपना खुद का एक आइडेंटिटी डेवलप होते रहे जिस पे आप बढ़ सकते हो। हाँ उसका यार आंखों के तीर मेरे जिगर के पार कर गए, भोले सनम जो धुके से दिल पे वार कर गए, जब से अपनी देख गई नर्म छुअन तू उड़न छु, हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छु उड़न छु, रहे नी दे सारी रैन उड़न छु। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस वन मोर। Yes, hi. हाँ अच्छा, आई थिंक फेस्टिवल्स आर ऑलवेज ग्रेट, क्योंकि एक तो हमें यहाँ बॉम्बे में अपने एक फेस्टिवल की बहुत बहुत ज़रूरत है, तो इट्स ग्रेट टू हैव जागरण फिल्म फेस्टिवल सपोर्टिंग ग्रेट सिनेमा एंड पीपल एसोसिएटेड विद गुड सिनेमा। और कुछ जी 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 जी, वेरी वेरी प्राउड। आई थिंक बहुत गर्व की बात है हमारे लिए कि एक फिल्म जिसको औरतें लीड कर रही है वो दुनिया भर में घूम के आई है और अवार्ड्स पाकर आई है, बहुत सारी अप्रिसिएशन पाकर आई है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक इट्स ग्रेट फॉर सिनेमा, इट्स ग्रेट फॉर अस, एंड इट्स इनकरेजिंग जो और लोग आगे आके स्पेशली औरतें आके स्ट्रॉन्गर रोल स्ट्रॉन्गर कैरेक्टर्स करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत 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 एक इनकरेजिंग फैक्टर है। वेल, अभी मैंने कुछ साइन नहीं किया है बिकॉज लाइक आई हैव ऑलवेज बीन चूजी एंड सिलेक्टिव, मैं अभी भी वही करना चाहूँगी और जहाँ तक हो सके ऐसे प्रोजेक्ट्स और ऐसी फिल्में करना चाहूँगी जो थोड़ी बहुत मेरी कोशिश होगी कि पाथ ब्रेकिंग हो। तो आई थिंक चैलेंजिंग रोल्स और चैलेंजिंग कैरेक्टर्स और दोबारा से कुछ अपने फैंस और अपने व्यूअर्स और ऑडियंसिस के लिए कुछ हट कर लेके आना चाहूँगी। आई डोंट थिंक कोई फ़र्क है, हॉलीवुड हो बॉलीवुड हो बॉलीवुड है बॉलीवुड हो जॉलीवुड हो रॉलीवुड हो, इट डजेंट मैटर। आई थिंक सब कुछ आपके ही एक यूनिट होता है, करियर एक यूनिट है, अलग अलग करियर्स नहीं होते हैं और उसी का ग्राफ होता है और उसी के ग्राफ में आप जो भी काम करते हैं अलग काम करते हैं, ग्राफ में अपने काम को ऊपर लेके जाते हैं, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ दैट। तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, काम काम है, फिल्म फिल्में फिल्में हैं, सिनेमा सिनेमा है, और एज एन एक्टर मैं यहाँ काम करूँ कहीं काम करूँ मार्स पर काम करूँ, बात एक ही है। आई वुड लव टू डू चैलेंजिंग पार्ट्स एंड आई लव टू यू नो टेक माई सेल्फ to the next level, maybe to the next planet for all you know. Thank you.
fun. Well, ये तो मैं पहली बार अटेंड कर रही हूँ एंड आई एम फीलिंग प्रिविलेज टू बी हियर टुनाइट एंड शेयरिंग दिस स्पेस विद एवरीवन. मैं बहुत खुश हूँ. मैं बहुत ही एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए. मैं फटाफट अपनी शूट ख़त्म करके यहाँ पर आई. शॉर्ट फिल्म्स के बारे में मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है. वन, कि आप एक लिमिटेड स्पैन में, लिमिटेड बजट में और अनलिमिटेड क्रिएटिविटी बता सकते हैं. सो जैसे कि मैं जब एक्टर बनी तो उसके पहले मुझे शॉर्ट फिल्म्स हमेशा मेरे दोस्तों के साथ किया करती थी. अब उसमें से काफ़ी लोग डायरेक्टर्स बन चुके हैं और कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं. सो आई थिंक शॉर्ट फिल्म्स इज़ ऑलवेज अ गुड बेट एंड ये प्लेटफॉर्म जो है इट्स द बेस्ट. फिलहाल मुझे जो मेरी प्रायोरिटी है वो है मेरा शो बहू हमारी रजनीकांत. तो मुझे वक्त नहीं मिल रहा कुछ और करने का, बट डेफिनेटली शॉर्ट फिल्म्स है मेरे एजेंडा में. सो जब जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी. थैंक यू सो मच.